हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पास मास्टर। ये हमारी क्विज ऐप सीरीज की सेकंड ट्यूटोरियल है। आज हम क्विज ऐप के लिए स्क्रीन डिजाइन करेंगे। पिछली वीडियो जो हमारी क्विज ऐप की फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने एप्लीकेशन के लिए आइकन डिजाइन किया था विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप। अगर आपने इस ऐप सीरीज का डेमो वीडियो नहीं देखा है, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में क्विज ऐप के डेमो के साथ साथ ऐप सीरीज में क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्विज ऐप की फर्स्ट वीडियो और डेमो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। सो इस ऐप सीरीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आप काफी इजी वे से इस क्विज ऐप को आप बना पाओगे। आप इस ऐप सीरीज को वीडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट टेक पास मास्टर को भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज जितनी भी रिसोर्सेज फाइल और जावा एंड एक्सएमएल कोड जो हमारी ऐप से रिलेटेड होंगे वो आपको वेबसाइट पर मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कस, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन सी स्क्रीन को डिजाइन करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां आपको टैग पास मास्टर पे विजिट करना है और मेक एप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद जो हमारी क्विज ऐप की सीरीज है वो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास स्क्रीन है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास फोर स्क्रीन्स हैं जो कि आज के वीडियो में हम डिजाइन करेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्क्रीन होगा वो हमारा होगा स्प्लैश स्क्रीन, जिसमें लोगो, प्रोग्रेस बार और टैक्स दिया हुआ है। सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा होम स्क्रीन, जिसमें हमें यहाँ पे लोगो और यहाँ पे एक बटन है वो बनाएंगे। थर्ड जो होगा हमारा वो होगा प्ले स्क्रीन, जिसमें आप स्कोर और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइमर और यहाँ पे क्वेश्चंस, ऑप्शंस और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का बटन दिया हुआ है वो डिजाइन करेंगे। जो लास्ट स्क्रीन होगा हमारा वो होगा रिजल्ट स्क्रीन। इसमें आप देखोगे कि टैग्स है, इमोजी है और अदर टैक्सेस हैं, टैक्स हैं जो कि यहाँ पे डिजाइन हुआ हुआ है। आज की वीडियो में हम ये सारा कुछ डिजाइन करने वाले हैं। हम एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपके सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है, सो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, जावा और एसडीके का सेटअप कैसे कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन और सेटअप के बारे में अगर आपको देखना है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहां से चेक कर सकते हो वीडियो को। यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नेम पूछ रहा है आपके प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं, यानी कि अपनी एप्लीकेशन का नेम रियल क्विज। और यहाँ पे आपका पैकेज नेम में आपका कॉम हो जाएगा और यहाँ पे जो भी आपका कंपनी नेम होगा, डोमेन, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। बाकी जो आपका रियल क्विज है वो यहाँ पे आ जाएगा। लोकेशन लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हो। और यहाँ पे जो हम अभी लैंग्वेज यूज करने वाले, हम जावा यूज करेंगे। यहाँ पे मिनिमम एसडीके हम यहाँ पे रखते हैं 4.3 रख लेते हैं। यहाँ पे हम 98.4% डिवाइसों को कवर कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो ये प्रोजेक्ट आपका बिल्ड होने लगेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फाइनली हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। तो आप देखोगे यहाँ पे मेन एक्टिविटी करके, और यहाँ पे आप लेआउट में आप जाओगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट होता है हमारा मेन एक्टिविटी का, वो यहाँ पे आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, स्प्लैश स्क्रीन को डिजाइन करना है। अगर आप यहाँ पे देखते हो जाके स्प्लैश स्क्रीन, अभी हम क्या करते हैं कि चारों एक्टिविटी को हम क्रिएट कर लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में स्क्रीन्स को हम यहाँ पे एक्टिविटी के नेम से जानते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्टिविटी का। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, ये सेकेंड एक्टिविटी है और ये थर्ड, ये फोर्थ। तो अभी हम क्या करते हैं कि स्प्लैश एक्टिविटी बना लेते हैं, होम एक्टिविटी बना लेते हैं, प्ले एक्टिविटी और रिजल्ट एक्टिविटी। अभी जो हमारा मेन एक्टिविटी करके है, इसको हम रिफैक्टर कर देते हैं, यानी कि रिनेम करके इसको चेंज कर देंगे। इसको हम दे देते हैं रिफैक्टर करके, रिनेम करेंगे। इसको हम कर देते हैं स्प्लैश स्क्रीन, स्प्लैश एक्टिविटी, सॉरी, रिफैक्टर कर देंगे। यहां पे देखोगे आप जो क्लास का नेम है वो चेंज हो गया। सेम एज इट इज आपको क्या करना है कि लेआउट पे जाना है, और लेआउट पे जो हमारे ये मेन एक्टिविटी का जो लेआउट पहले से एक्टिविटी मेन दिया हुआ था,
तो अगर आप जावा क्लास यहाँ पे चेंज करोगे तो आइडेंटिटी के लिए इसको भी आप चेंज कर दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे प्लेस एक्टिविटी है और यहाँ पे मेन एक्टिविटी है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर राइट बटन क्लिक करेंगे, रिफैक्टर पे जाएंगे, रीनेम कर देंगे यहाँ पे, एक्टिविटी लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है और ना ही आपको यहाँ पे कोई भी कैपिटल लेटर देना है, यहाँ पे जो भी होगा सारा कुछ स्मॉल में होगा और विदाउट स्पेस होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्लैश लिख देंगे। सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में आता है हमारा टैक्स व्यू आ गया है हेलो वर्ल्ड करके, तो इसको हम बाद में भी हटाएंगे। अभी हम क्या करते हैं कि जितनी भी एक्टिविटी हमारी है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमारा स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट हो गया, उसके लिए हम सेकेंड एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। सो अब हम सेकेंड एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे एक्टिविटी पे जाएंगे, उसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी। एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक्टिविटी का नेम दे दो, जो सेकेंड एक्टिविटी हमारा होगा वो होगा होम, होम एक्टिविटी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फिनिश कर देना है। सो यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है। अब क्या करेंगे, इसी तरह आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्ले एक्टिविटी बना लेना है और रिजल्ट एक्टिविटी बना लेना है, तो इसको फटाफट आप क्रिएट कर लेते हैं। तो अब ये देखोगे आप, हमने फोर एक्टिविटी क्रिएट कर लिया है, होम एक्टिविटी, प्लेस प्ले एक्टिविटी, रिजल्ट एक्टिविटी, स्प्लैश एक्टिविटी। यहाँ पे हमारा दिया हुआ लेआउट, तो लेआउट में हमारे सारे कुछ यहाँ पे लेआउट्स आ गया, जिसको हम यहाँ पे अभी लेआउट डिजाइन करेंगे। अभी हमें यहाँ पे जावा, जो यहाँ पे जावा क्लासेस हैं इनमें हमें कुछ नहीं करना है। अभी हम जो भी करेंगे वो डिजाइनिंग का पार्ट करने वाले हैं, तो डिजाइनिंग के पार्ट के लिए आपको लेआउट का यूज होगा, जितनी भी हमारी लेआउट फाइल है यहाँ पे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सबसे पहले हमें डिजाइन करना है वो करना है स्प्लैश स्क्रीन। तो स्प्लैश स्क्रीन के लिए आप देखोगे, आप यहाँ पे बैकग्राउंड में एक इमेज है, पीछे एक बैकग्राउंड में इमेज लगा हुआ है, एक लोगो है, प्रोग्रेस बार है, और यहाँ पे एक लोडिंग का टैक्स है, और यहाँ पे नीचे आप कुछ भी दे सकते हो, अपने डेवलपर का नेम या कुछ भी यहाँ पे टैग दे सकते हो। सो ये इस टाइप से कुछ हम डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये रिसोर्सेज हैं हमारी, जो भी इमेजेस हैं, लोगो है, उसको हम अपनी इंपोर्ट कर लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। उसके लिए क्या करना है आपको, ये रिसोर्स फाइल आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या होगा कि जिसमें आपको ड्रॉवेबल के अंदर जितने भी आपके रिसोर्सेज इमेजेस हैं वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, और आगे चल के ये भी सारा कुछ आपको मिलने वाला है। सो ये सारी कुछ ड्रॉवेबल आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, वहां से जाके आप विजिट करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो जो अभी हमें नीड है वो है हमारा बैक स्प्लेस का और आइकन का। सो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने ये तीनों फोल्डर क्रिएट किया था, जिसमें हमने आइकन फॉर प्ले स्टोर और आइकन इन ऐप और लॉन्चर आइकन के लिए बनाया हुआ था। तो अभी हम आइकन इन ऐप का जो लोगो है, आइकन है, उसको हम यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सो कोई भी इमेज एंड्रॉयड स्टूडियो में इंपोर्ट करने से पहले आप सबसे पहले उसका साइज चेक कर लिया करो कि साइज कितना है उसका। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे 101 करके लिखा हुआ है, यानी कि अभी इसका साइज थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, साइज को अभी हम कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जितना लाइट वेट होगा आपका एप्लीकेशन उतनी फास्ट चलेगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सो एक वेबसाइट है टीनी पीएनजी करके, इसको इसके ऊपर जाना है आपको, और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जाना है, आइकन इन ऐप पे क्लिक करना है, और आइकन इन ऐप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अभी आप देखोगे 103 KB का है, और यहाँ पे जो आपकी साइज हो गया इमेज का वो हो गया 36 KB का। सो यहाँ पे आपके इमेज की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बस यहाँ पे क्या होगा कि आपके साइज जो होगा वो रिड्यूस कर देगा। सो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारी न्यू जो कंप्रेस इमेज है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो ये हमारा डाउनलोड होके आ गया है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर हम रिसोर्स के ड्रॉएबल के अंदर यहाँ पे इसको रख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना कि जो नेम होता है कोई भी इमेज हो उसका, यहाँ पे जो नेम होगा वो विदाउट स्पेस और विदाउट कैपिटल लेटर होना चाहिए, जो भी होगा सब स्मॉल लेटर और विदाउट स्पेस का होना चाहिए। तो अभी हमें जो नीड है
वो हमें नीड है यहाँ पे बैक स्पेस और आइकन इन ऐप। तो इसको आप क्या करना है, कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको एंड्रॉयड स्टूडियो में लाएंगे और ड्राइवल के अंदर, यहाँ पे ड्राइवल के ऊपर आपको राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है। और ये चीज़ आपको याद रखना है कि ड्राइवल वर्जन 24 में नहीं रखना है, ड्राइवल के अंदर पेस्ट करना है। यहाँ पे ड्राइवल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। सो अभी देखो कि आप ये ड्राइवल के अंदर आ चुका है, ये हमारा बैक स्पेस था और ये हमारा इमेज। सो ये दोनों हमारा हमने इम्पोर्ट कर लिया सक्सेसफुली। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए अभी जो यहाँ पे डिफॉल्ट जो टेक्स्ट व्यू है इसको हटा देते हैं और जो हमारा पेरेंट लेआउट होगा वो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट होगा। कंस्ट्रेंट लेआउट इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारा कंपैरिजन टू अदर लेआउट ये काफ़ी लाइट वेट होता है और जिससे कि आपकी एप्लीकेशन काफ़ी फास्ट चलती है, इसलिए हम जो भी बनाएंगे स्क्रीन वो कंस्ट्रेंट लेआउट में बनाएंगे। सो अभी हमें नीड क्या है, अगर आप इमेज में देखोगे अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे लोगो लगाना है, जो हमारा आइकन है उसको लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है कोड स्प्लिट और डिज़ाइन। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको डिज़ाइन पे क्लिक करना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज व्यू लेना है और इसको ड्रैग करके आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करते ही आपके पास ये पूछेगा कि कौन सा इमेज आप लगाना चाहते हो। सो जो आइकन हमने इम्पोर्ट किया था उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। सो अभी देखो कि साइज इसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आप फिर से स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करो और ये जो यहाँ पे आप देखोगे लेआउट वेट और लेआउट हाइट, इसको क्या करना है आपको 120 dpi कर देना है, 120 dpi, 120 dpi। सो यहाँ पे आप देखोगे हो गया, अगर आप बढ़ाना चाहते हो 150 150 कर दो एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसको क्या करना होता है, अभी आप देखोगे कि ये जो डिफॉल्ट स्टार्ट से है वो पेरेंट में है और एंडिंग जो है वो भी पेरेंट से अटैच है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या होता है कि आपको पेरेंट से व्यू को कनेक्ट करना होता है। अभी हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आप हटा दे तो ये अगर सारे ऑल कंस्ट्रेंट अगर हटा देते हो यहाँ पे जाके, जैसे हम यहाँ पे क्लियर ऑल कंस्ट्रेंट पे क्लिक कर देंगे और यस कर देते हैं, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी पेरेंट से अटैच नहीं है। तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स अटैच करना होगा, अदरवाइज आप जब भी एप्लीकेशन को रन करोगे तो यहाँ पे तो आपका इमेज दिख रहा है, बट आप जैसे ही रन करोगे तो ये जो इमेज है वो कोई अदर प्लेस में दिखाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसको हम राइट से अटैच कर देते हैं और यहाँ से लेफ्ट से अटैच कर देते हैं और यहाँ से टॉप से अटैच कर देते हैं और बीच पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आते हैं। सो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो हमारा था सेकेंड जो था हमारे यहाँ पे वो है हमारा यहाँ पे प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार लेने से पहले हम बैकग्राउंड जो है वो हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए क्या करते हो, अब जो हमारा पेरेंट लेआउट होगा जैसे कंस्ट्रक्ट लेआउट उसमें आना है आपको और यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या देना है, बैकग्राउंड में आपको बैक स्पेस सेलेक्ट करना है। बैक स्पेस जो हमने इमेज इंपोर्ट किया था ड्रॉएबल के अंदर वो हम यहाँ पे लेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे बैक स्पेस करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड में एक इमेज जो था, जो इमेज था वो आ गया है। अब क्या करेंगे, हम प्रोग्रेस बार लेंगे इसके नीचे। सो प्रोग्रेस बार के लिए फिर से हम यहाँ पे डिजाइन पे जाते हैं। डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च पे जाएंगे और सर्च पे लिखेंगे प्रोग्रेस बार। जैसे PRO लिखते हो आप तो प्रोग्रेस बार यहाँ पे आ चुका है। इसको क्या करना है आपको, ट्रैक करके यहाँ पे लाके स्क्रीन पे ड्रॉप कर देना है। सो अभी देखोगे आप यहाँ पे आ गया है। अब इसको क्या करोगे, अब टॉप वाले जो व्यू है हमारा इमेज व्यू उससे अटैच कर दोगे और इसको खींच के यहाँ से नीचे कर दोगे थोड़ा सा, ये इसको सेंटर में कर दोगे। सो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके नीचे हमें एक टैक्स लगाना है जिसमें हमें लोडिंग लिखना है। तो टैक्स के लिए हम टैक्स व्यू का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे जाओगे आप, टैक्स व्यू लिखा होगा इस पर क्लिक करोगे और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे। इसको भी आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट और टॉप से अटैच कर देना है। सो अभी हमें टेक्स्ट का कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं, जैसे कि कलर साइज
और जो यहाँ पे डिफॉल्ट टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ उसको भी चेंज करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, स्प्लिट पे जाना है। स्प्लिट पे जाने के बाद इस पर क्लिक करना है टेक्स्ट व्यू पे, और ये यहाँ पे डायरेक्ट आप टेक्स्ट व्यू के अंदर आ जाओगे। इसमें जो टेक्स्ट व्यू के जो एट्रीब्यूट्स हैं हम उनका यूज़ करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल और टेक्स्ट कलर, वो सब हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट जो है वो कर देते हैं यहाँ पे लोडिंग। और यहाँ पे हम टेक्स्ट जो साइज है 22 dpi, सॉरी, यहाँ पे कभी भी आप याद रखना कि जब भी हम टेक्स्ट टेक्स्ट का साइज डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा हमारा SP में होना चाहिए, यानी कि स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल। ये हमारा इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है SP और DP में। तो अभी के लिए आप यहाँ पे ये याद रखो कि जो भी आप टेक्स्ट लोगे तो उसमें हमेशा आपको SP यूज करना है, और अदरवाइज इसको छोड़ के जो भी होगा आपका उसमें DP यूज करना है। जैसे आप मार्जिन दे रहे हो या जो भी कुछ है उसको आप DP में रखोगे। सो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो सेकेंड एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे टेक्स कलर। सो टेक्स कलर अभी आप ये व्हाइट दे दो। आप व्हाइट के लिए आप यहाँ पे हैज यूज करोगे, और फोर टाइम आपको ये F यूज करना है, 1 2 3 4। सो अभी देखोगे यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो गया है। और अभी जो हमारा नेक्स्ट जो होगा एट्रीब्यूट वो होगा हमारा टेक्स्ट स्टाइल। तो टेक्स्ट स्टाइल में आपको तीन तीन चीज मिलते हैं आपको, बोल्ड, इटैलिक और नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बोल्ड कर देना है। सो अभी देखोगे यहाँ पे ठीक लग रहा है थोड़ा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सो ये हो गया। और अभी हमारा क्या बचा हुआ है, एक जो हमारा टैग है डेवलपर का, वो यहां से इसको लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट आप कॉपी कर लो या डायरेक्ट यहां से आप एक फिर से न्यू टैक्स ले लो। तो यहां पे हम न्यू टैक्स ले लेते हैं। बस इस न्यू टैक्स को हम यहां से अटैच नहीं करेंगे, इसको हम बॉटम से अटैच करते हैं और इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, और इसको हम राइट से कर देंगे और लेफ्ट से कर देंगे। अब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं स्प्लिट, और इस पर क्लिक करते हैं, और यहां पे दे देते हैं डेवलपर टैग पास मास्टर। सो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, मैं साइज कलर और स्टाइल वो डिफाइन करते हैं फटाफट। तो यहां पे हम करेंगे साइज, सो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमने स्प्लिसेशन को बहुत ही इजी तरीके से डिजाइन कर लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं कि अपनी डिवाइस के अंदर रन करके देखते हैं। सो डिवाइस में रन करने के लिए सबसे पहले आप अपनी डिवाइस को लैपटॉप या पीसी से अपनी डेटा केबल के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका डिवाइस का नेम शो करेगा इसमें ऊपर आप देखोगे। और उसके बाद क्या करना है अभी, सो यहाँ पे हम रन पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे देखो कि आप यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो गया, ये बिल्ड कर रहा है हमारी एप्लीकेशन, उसके बाद इंस्टॉल करेगा। सो यहाँ पे हम अभी वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो कि हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है, और यहाँ पे अभी हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है हमारे डिवाइस के अंदर। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन है वो दिखाई देगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे अभी हमारे पास एक एक्शन बार आ रहा है, इसको अभी हम हटा देते हैं। सो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे रिसोर्स में। रिसोर्स में जाने के बाद आपको वैल्यू में जाना है, वैल्यूज में जाने के बाद आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे डार्क एक्शन बार की जगह पे आपको क्या कर देना है, नो एक्शन बार। सो अब हम एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं। सो अभी आप देखोगे कि हमारा ये हट चुका है यहाँ से। सो यहाँ पे आप देखोगे हमारा स्प्लैश स्क्रीन सक्सेसफुली डिजाइन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन डिजाइन की तरफ। तो होम एक्टिविटी के ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहले होम में क्या है, आपके पास एक आइकन है यानी इमेज व्यू है, और एक हमारा प्ले क्विज का एक बटन है। तो अभी आप क्या करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आ जाते हैं,
अब जो हम सेकंड काम करने वाले हैं वो हम काम करेंगे यहाँ पे एक्टिविटी होम में। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। इसको हम क्या करते हैं, रिफैक्टर कर देते हैं। रिफैक्टर में जाएंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे और ये एक्टिविटी आई थिंक ज़्यादा हो गया, इसको हम हटा देते हैं रिफैक्टर। तो इसका भी पेरेंट जो होगा हमारे कंस्ट्रेंट लेआउट में रखते हैं। और यहाँ से हम डिजाइनिंग में आ जाते हैं। डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे हम एक इमेज व्यू लेंगे। इमेज व्यू में फिर से हम आइकन यूज करते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे स्प्लिट। साइज जो होगा साइजेस में हम 150 कर देते हैं, 150 dpi। और हाइट में भी क्या करेंगे, 150 dpi। विड्थ और हाइट 150 50 कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट से इसको अटैच कर देंगे पेरेंट में और लेफ्ट से भी पेरेंट से अटैच कर देते हैं और टॉप से भी कर देते हैं और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। और अभी आप देखो कि हमारा डिज़ाइन के अंदर बैकग्राउंड जो इमेज है उसको भी लगाना है इसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम रिसोर्स फाइल को ओपन करेंगे, ड्रॉएबल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे बैक होम। बैक होम के लिए यहाँ पे इमेज है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो में आएंगे और ड्रॉएबल के अंदर आके, ड्रॉएबल के ऊपर आके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे ड्रॉएबल ऊपर सेलेक्ट रहेगा ऑलरेडी, तो उस पर क्लिक करके आपको बस ओके कर देना है। ओके सो अब यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड यहाँ पे हम दे देते हैं बैक होम। ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो बटन है, यहाँ पे एक प्ले बटन रखेंगे। उसके लिए आपको डिजाइन पे जाना है। डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ पे बटन दिया हुआ है, उसको बटन को आपको क्या करना है, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है और इसको बॉटम से अटैच करना है। इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं और इसको हम कर देते हैं राइट से लेफ्ट से। और यहाँ पे अभी देखोगे यहाँ पे ये जो बटन है वो काफी नॉर्मल दिख रहा है। सो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें आप देखोगे एक कस्टम बटन लिया गया है। तो उस कस्टम बटन के लिए आपको क्या करना है, रिसोर्स में ओपन करना है, ड्रॉएबल के अंदर जाना है और यहाँ पे अभी देखोगे बटन लिखा हुआ है, बटन बिजी। बटन बिजी को कॉपी कर लेना है और इसको ड्रॉएबल के अंदर लाके पेस्ट कर देना है। ओके ओके ये हमारा आ गया। और ये इसका जो कोड होगा एक्सएमएल कोड को इस टाइप से होगा। सो अभी हम क्या करते हैं, एक्टिविटी होम पे आते हैं और बटन के यहाँ पे स्प्लिट करेंगे और बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बटन का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन बीजी जो हमने अभी लिया है वो कर देंगे और इसमें हम एट्रीब्यूट इसका लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कलर यहाँ पे हम वाइट दे देते हैं। तो हैज करेंगे 1 2 3 4 टाइम f। अभी देखो यहाँ पे आ गया ये। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड टिंट मोड है, यहाँ पे बैकग्राउंड टिंट में हम यहाँ क्या करें, हैज 1 2 3 4 ये कर दिया। टेक्स्ट कलर है वो उसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर के हैज। और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, सॉरी एंड वाइड और ब्लैक। और अभी क्या करना है, हम आपके यहाँ पे मैच पेरेंट कर देते हैं। मैच पेरेंट से क्या होगा कि ये पूरी स्क्रीन पे कवर कर लेगा और जो इसका मार्जिन है, मार्जिन यहाँ पे हम स्टार्ट से क्या करेंगे, स्टार्ट से 50 कर देते हैं और मार्जिन एंड से भी 50 कर देते हैं, 50 dpi। आई थिंक अभी काफ़ी बड़ा है, 100 dpi करते हैं और यहाँ पे भी 100 dpi कर देंगे। सो अभी थोड़ा ठीक है। और बटन की जगह पे हम क्या करेंगे, प्ले क्वीज ये रख देते हैं और जो टेक्स्ट साइज होगा, टेक्स्ट साइज हम यहाँ पे रख देते हैं 20 sp और जो टेक्स्ट स्टाइल है हमारा उसको कर देते हैं बोल्ड। सो अभी देखोगे आप यहाँ पे, आई थिंक ये कलर जो है हमारा वो दूसरा कलर है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कलर के लिए। सो यहाँ पे जो आप देखोगे, आप कलर में जाओगे तो ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो का डिफॉल्ट कलर है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ऐप का जो कलर है, जो हम अपनी ऐप के अंदर यूज करने वाले हैं, वो कलर यहाँ पे रख देते हैं हम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिसोर्स में जाना है, उसके बाद यहाँ पे कलर है, कलर पे आपको क्या करना है, एडिट करना है, ओपन विथ नोट पैड, और ये आपका कलर है, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो में आना है और यहाँ से आपको इतना कलर हटाना है, डिलीट करके इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हो गया कलर हमारा, और इसमें जो टेक्स्ट का जो कलर है वो हमारा का यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर था ब्लैक को हटा के हम करेंगे यहाँ पे कलर प्राइमरी कर देते हैं, ये हो गया हमारा। सो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बेस जो है, ये बेस, ये इसको हटा दो आप, इसकी कोई नीड नहीं है। तो इससे आपका क्या होगा कि जो भी होगा वो इधर उधर हो रहा था वो सेंटर में हो जाएगा। सो अभी आप हमें पैडिंग अगर देना है आपको, पैडिंग से क्या होगा कि इस बॉक्स को आप थोड़ा सा बटन जो है इसको बड़ा कर सकते हो। तो उसमें हम क्या करेंगे, पैडिंग जो टॉप से है वो 8 dpi कर देते हैं और पैडिंग बॉटम से भी 8 dpi कर देते हैं। अगर और करना है तो उसको और कर सकते हो आप, 16 dpi, 16 dpi। सो अभी ठीक लग रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सो अगर आप डायरेक्ट इसको रन कर दोगे, यहाँ पे जो डिफॉल्ट एक्टिविटी हमारा है वो हमारा स्प्लैश एक्टिविटी है। सो डिफॉल्ट एक्टिविटी को देखने के लिए आपको क्या करना होता है, मैनिफेस्ट पे जाओ और यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे आप क्लिक करोगे। ये एक टाइप का हमारा रूट होता है, एप्लीकेशन का रूट होता है। यहाँ पे अभी देखोगे आप हमारा, इस पे आप यहाँ पे इसको, ये हमारी जितनी भी स्क्रीन जो हमने एक्टिविटी क्रिएट की है वो दिख रहा है, जैसे रिजल्ट एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी, होम एक्टिविटी और ये हमारा स्प्लैश एक्टिविटी। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे एक इंटेंट फिल्टर करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे जो इंटेंट फिल्टर जिस एक्टिविटी के अंदर होगा वही हमारी डिफॉल्ट एक्टिविटी होती है और वही एक्टिविटी हमारी लॉन्च होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इंटेंट फिल्टर है इसको हम क्या करेंगे, जितनी भी एक्टिविटी है सबके अंदर रख देते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, इंटेंट फिल्टर का जो टैग स्टार्ट हो रहा है और जो एंड हो रहा है वहां तक सेलेक्ट करना है आपको, और इस पर राइट बटन क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। और यहां से क्या करना है, इस टैग को ऐसे हटाना है, ये चीज आपको बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये आ जाएगा टैग, क्लोज टैग आ जाएगा एक्टिविटी का। सो इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे ये होम के अंदर भी हो गया। इसके अंदर पेस्ट कर देना है, सेम एज इट इज, इस पे भी करना है और यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप रन करोगे। सो अभी अब क्या हो गया कि हमने क्या किया, सारा जो इंटेंट फिल्टर है वो सारी एक्टिविटी के अंदर लगा दिया है। अब जब भी आप इसको रन करोगे तो कोई भी एक रैंडम, इसमें से कोई भी रैंडम एक्टिविटी लॉन्च हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को हमें लॉन्च करना है, जैसे कि अभी हमें क्या करना है, हमारे केस में क्या है कि हमने अभी होम स्क्रीन को डिज़ाइन किया है, तो हमें अभी होम स्क्रीन को लॉन्च करके देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक एक्टिविटी को अगर आपको लॉन्च करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐप पे क्लिक करोगे और एडिट कॉन्फ़िगरेशन, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखोगे लॉन्च ऑप्शन लिखा हुआ है, लॉन्च ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये लॉन्च में आप देखोगे डिफॉल्ट एक्टिविटी है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्पेसिफाइड एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास एक नया ऑप्शन आएगा एक्टिविटी का, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी होंगी वो सारा यहाँ पे शो करेगा। तो अभी हमें कौन सा एक्टिविटी शो करना है, होम, तो होम एक्टिविटी को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। सो अगर आप यहाँ पहले से ऑलरेडी आपने इंटेंट फिल्टर मैनिफेस्ट के अंदर दे रखा है तो यहाँ पे कोई भी आपको वार्निंग शो नहीं करेगा। अदरवाइज आपने अगर इंटेंट फिल्टर इस एक्टिविटी के अंदर नहीं दिया है
तो यहाँ पे एक वार्निंग शो करेगा कि आपको इंटेंट फिल्टर मस्ट है, इंटेंट फिल्टर देना ही है मैनिफेस्ट में एक्टिविटी के अंदर, तभी जाके आप स्पेसिफिक एक्टिविटी को लॉन्च कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने इंटेंट फिल्टर भी मैनिफेस्ट के अंदर दे दिया है, और अभी हमें क्या करना है, होम एक्टिविटी को लॉन्च करना है। सो ये वो भी यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब इसमें हम अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं और रन करके इसको देखते हैं हम। सो अभी इसको बिल्ड करेगा, इंस्टॉल करेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे बिल्ड हो चुका है, अभी हमारा इंस्टॉल कर रहा है एप्लीकेशन। सो अभी देखोगे यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटी है वो लॉन्च हो चुका है। सो यहाँ पे हमारा होम स्क्रीन भी हमने यहाँ पे सक्सेसफुली डिजाइन कर लिया, और हमारा अब जो थर्ड स्क्रीन है, सो हमारा थर्ड स्क्रीन है वो हमारा प्ले एक्टिविटी है। सो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा डिजाइन करने में, बिकॉज हमें यहाँ पे सारा कुछ एलिमेंट जो भी विजिट है उसको डिजाइन करना है। इसमें कुछ ज्यादा विजिट है जिसमें आपको स्कोर और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइमिंग क्वेश्चंस और ऑप्शंस, और यहाँ पे एक बटन, और यहाँ पे अभी जो ऐड का ऑप्शन है ये अभी हम नहीं लगाएंगे। जो हमारा ऐड मोब इंटीग्रेशन का पार्ट है उसमें हम देखेंगे उसको। सो अभी हम बढ़ते हैं प्ले प्ले स्क्रीन डिजाइन की तरफ। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है आपको, और यहां से आपको क्या करना है, एक्टिविटी प्ले डॉट एग्जाम्पल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिजाइन पे आ जाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड है, आप देखोगे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है, उसको पहले लगा लेते हैं। तो उसको लगाने के लिए क्या करना है, फिर से आपको रिसोर्स फाइल में आना है, जो हमारा फोल्डर था, ड्रॉएबल के अंदर जाना है, और यहाँ पे आप देखोगे बैक प्ले करके है इमेज, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको लेआउट, सॉरी ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट कर देंगे, और इसमें जो बैकग्राउंड है, पैरेंट बैकग्राउंड, उसको हम कर देते हैं बैक प्ले। सो अभी देखोगे यह बैकग्राउंड सेट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, ये अभी आप इसमें देखोगे कि स्कोर के लिए टेक्स्ट व्यू है और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए टेक्स्ट व्यू है, तो इनको दोनों का भी हम सेट करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन पे जाएंगे, एक टेक्स्ट व्यू हम यहाँ पे लेते हैं और एक टेक्स्ट व्यू हम यहाँ पे लेंगे। इसको हम अटैच कर देते हैं लेफ्ट से और इसको टॉप से। अभी हमें थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे जूम इन, जूम और जूम आउट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करोगे जूम कर सकते हो, माइनस पे क्लिक करके जूम आउट कर सकते हो। अभी यहाँ पे टॉप से 16 dpi कर देते हैं, इसको हम टॉप से भी सेलेक्ट कर देते हैं 16 dpi। सो इस साइड से भी 16 dpi है, लेफ्ट साइड से 16 dpi, टॉप से भी 16 dpi हो गया, ये भी टॉप से 16 और राइट साइड से भी 16 dpi होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें टेक्स्ट कलर दे देते हैं, साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको बोल्ड करते हैं, नॉर्मल वो देख लेते हैं। अभी हम स्प्लिट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते ही अभी टेक्स्ट के जो भी आपका इसमें एट्रीब्यूट आपका रिक्वायरमेंट होगा वो यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कोर। सो अभी जो स्कोर है हमारा 0 है, 0-0। टेक्स्ट जो कलर होगा हमारा, टेक्स्ट कलर अभी हम अभी के लिए हम व्हाइट रख लेते हैं, हैज 410 आपको देना है यहाँ पे। और टेक्स्ट स्टाइल जो होगा हमारा वो यहाँ पे हम रख देते हैं बोल्ड। सो अभी देखोगे हमारा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट से दिख रहा है। टेक्स्ट साइज है, टेक्स्ट साइज को हम दे देते हैं यहाँ पे 16 dpi, सॉरी 16 sp। सेम एज इट इज आपको यहाँ पे करना है, तो शॉर्टकट तरीका यूज करिए, जितने भी है एट्रीब्यूट इसमें हैं इसको कॉपी कर लीजिए और इस टेक्स्ट व्यू के अंदर आके आपको पेस्ट कर देना है। ये हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो 1/30। सो अभी देखोगे यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो गया। कलर जो हमारा है, कलर यहाँ पे जो इसमें आई थिंक प्राइमरी कलर है, और इसमें जो हमारा कलर एसेंट कलर है, अगर आप यहाँ पे कलर पे जाओगे तो ये देखोगे कलर एसेंट कलर है,
और ये आई थिंक कलर प्राइमरी था, तो इनको हम कलर प्राइमरी में यूज़ करेंगे। कलर प्राइमरी और कलर एसेंट को हम यूज़ करते हैं इनके अंदर। सो प्ले पे आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेक्सलर वाइट को हटा के हम यहाँ पे कलर प्राइमरी कर देते हैं। आई थिंक ये कलर प्राइमरी डार्क, अरे सूट नहीं कर रहे हैं कलर। सो अभी के लिए हम इसको वाइट ही रहने देते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं। इस पे हम कलर एसेंट दे देते हैं, ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा कम करते हैं। सो ये हमारा टेक्स्ट व्यू सेट हो गया दोनों। अभी हमें क्या करना है, टाइमर के लिए यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, डिज़ाइन पे जाएंगे, फिर से टेक्स्ट व्यू लेंगे और यहाँ पे एक सेंटर में लगाते हैं। इसको हम टॉप से अटैच कर देंगे और इसको लेके आते हैं नीचे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका भी सारा कुछ डिफाइन करते हैं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी इसका जो इस टैक्स व्यू का जो भी एट्रीब्यूट है, जैसे कि टैक्स साइज, टैक्स कलर और टैक्स स्टाइल, सब कॉपी कर लेते हैं और इस एट्रीब्यूट के अंदर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। और ये बेस जो है, बेस को हटा दो यहाँ पे, अगर आपके पास आ रहा है तो। टैक्स साइज है, उसको टैक्स साइज को हम यहाँ पे रख देते हैं 22 SP। और यहां पे हम कर देते हैं टाइम, सो अभी यहां पे हो गया ये। आप अपने हिसाब से वो कर लेना यहाँ पे सेट, जितना भी आपको ठीक लगता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए टेक्स्ट व्यू लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे डिजाइन, टेक्स्ट व्यू ड्रैग करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है, सो बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। बैकग्राउंड में हमारा जो बटन बीजी था वो ले लेंगे, और इसके बाद इसको जो विड्थ है वो हम कर देंगे मैच पैरेंट, फुल विड्थ में हो गया ये। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे मैच पैरेंट, सॉरी अब यहाँ पे पैडिंग देते हैं। पैडिंग से क्या होगा कि थोड़ा सा ये गैप आ जाएगा इसके बीच में, तो पैडिंग अभी अब देते हैं टॉप से 16, और देते हैं इस पे हम 22। अभी हम 22 DPP करके देख लेते हैं, और पैडिंग बॉटम से 22। सो अभी अभी क्या करेंगे, इसमें हम दे देते हैं आई थिंक 30 30 DPI देख देते हैं, 30 DPI 30 DPI। और अभी देखोगे ये कुछ काफी ये इसके पास है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो टैक्स का मार्जिन है यहाँ से मार्जिन स्टार्ट करेंगे 16 DPI, और ये राइट साइड से भी हम क्या करेंगे, मार्जिन एंड, मार्जिन एंड होगा हमारा 16 DPI, ये हो गया। और अभी जो हमारा ये टैक्स है, इसको क्या करेंगे हम, पैडिंग जो होगा यहाँ से, पैडिंग हम स्टार्ट से इसको दे देते हैं 22, ठीक है। और एंड से भी क्या करेंगे इसको, हम पैडिंग एंड से भी हम इसको 22 DPI कर देते हैं। और अभी हम इसको टैक्स को चेंज करते हैं, इसका टैक्स साइज हम रख देते हैं यहाँ पे 16 SP, और टैक्स कलर जो होगा हमारा वो एंड्रॉयड ब्लैक, और जो टैक्स हमारा वो यहाँ पे इसको रख देते हैं क्वेश्चन, और ये टैक्स जो स्टाइल है हमारा उसको कर देते हैं बोल्ड। सो अभी यहाँ पे ये हो गया हमारा। सो जावा से जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा। सो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमारे चार ऑप्शंस होंगे यूजर को सेलेक्ट करने के लिए, वो लगाएंगे। तो ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियो बटन का यूज करेंगे। रेडियो बटन में से यूजर किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा ABCD ये जो हमारा इमेज है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो उसके लिए क्या करना है आपको,
रिसोर्स फाइल जो फोल्डर है उसके पे जाना है, और ये जितने भी आपके ड्रॉएबल एच डी पी आई और ड्रॉएबल एक्स जी पी आई जितने भी हमारा यहाँ तक दिया हुआ है इसको कॉपी कर लेना आपको। कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो में आना है आपको। एंड्रॉइड स्टूडियो में आने के बाद आपको क्या करना है, रिसोर्स पे राइट बटन क्लिक करना है, और उसके बाद आना है आपको यहाँ पे शो इन एक्सप्लोरर। यहाँ पे जैसे आप शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे एक फोल्डर खुलेगा आपके सामने। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, रिसोर्स फोल्डर पे ओपन करना है, और इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करके जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, रेडियो बटन लेना है। तो रेडियो बटन लेने के लिए सबसे पहले हम डिजाइन पे जाते हैं। सो यहाँ पे हम सर्च करेंगे रेडियो। तो रेडियो बटन लेने के लिए सबसे पहले हमें रेडियो ग्रुप लेना होता है। तो रेडियो ग्रुप को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, यहां से इसको ऐसे कर दो। और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे रेडियो बटन जो है उस रेडियो बटन को इस ग्रुप के अंदर आके छोड़ दो आप। अब यहाँ पे स्प्लिट पे आ जाओ, रेडियो बटन पे क्लिक करो, रेडियो ग्रुप पे है, यहाँ पे इसको हम मैच पेरेंट कर देते हैं, और ये जो भी है इसको भी हम मैच पेरेंट कर देते हैं। सो अभी आप देखोगे ये आ गया है, ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक को इसका कलर चेंज करेंगे इसके। अभी हम ये, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड जो कलर है उसको हम कर देते हैं वाइट। 1 2 3 4 ये आ गया हमारा। और जो पैडिंग है उस पैडिंग को हम कर देते हैं 8 dp या 16 dp। अभी 16 dp ठीक लग रहा है। सो अभी आप या अगर इस टाइप से पैडिंग देते हो तो इसमें क्या होता है, आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये चारों तरफ से आपका पैडिंग देगा। अभी देखोगे यहाँ पे ये जो हमारा है पैरेंट से पूरा टच हो रहा है लेफ्ट और राइट साइड से, तो इसमें हम क्या करेंगे मार्जिन दे देते हैं। इस पर करेंगे मार्जिन स्टार्ट 16 dp, मार्जिन एंड 16 dp। सो ये हो गया। अभी आप देखोगे यहाँ पे इमेज के अंदर आपको ये सेट करना है ABCD। सो अभी हमें ये सेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ड्रॉएबल राइट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जैसे आप DR लिखोगे, DR के बाद यहाँ पे आपको ड्रॉएबल राइट करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और A लिखना है। A A में जो हमारा A था वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो ये जो पैडिंग था पैडिंग को हम कम कर देते हैं, 8 dp कर देते हैं। तो यहां पे हम रख देते हैं रेडियो की जहां पे ऑप्शन फर्स्ट। सो यहां पे ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, सेमेजिटीज को कॉपी करना है, राइट बटन क्लिक करना है कॉपी, और यहां पे आपको पेस्ट कर देना है सेम यहीं पे, और इसको आपको नीचे लेके आना है, इसको अटैच कर देना है एक से ऊपर वाले से, और स्पेस जो होगा वो अभी हमें इसी रैंडम स्पेस रख देते हैं, बाकी अभी स्पेस हम रखेंगे। अब इसको क्या करना है, कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करने के बाद भी हो जाता है। इसको हम अभी अटैच कर देते हैं इससे बॉटम से। अब इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो यहाँ पर हमें चार हमें नीड था रेडियो बटन का। सो यहाँ पर हमने इसको ले लिया है। अभी जो स्पेस है हमारा सारा कुछ इक्वल नहीं है, तो उसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाले पर आप क्लिक करो, और उसके बाद क्या करना है आपको, जो हमारा यहाँ से टॉप से है मार्जिन टॉप, उसको क्या करना है 8 dp कर देंगे। थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 8 dp कर देंगे, और जो हमारा फोर्थ है। सो यहाँ पे हो गया है, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ऑप्शन टू, और ए की जगह पे हम क्या करेंगे यहाँ से बी ले लेंगे, और ये हो गया हमारा ऑप्शन थ्री। इसको क्या करेंगे हम, थ्री की जगह पे हम सी ले लेंगे यहाँ पे ए की जगह पे, और ऑप्शन फोर, और यहाँ पे सी की जगह पे हम
डिले। सो अभी देखोगे यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो नेक्स्ट बचता है हमारा यहाँ पे बटन, नेक्स्ट बटन, इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से डिजाइनिंग पे आ जाओ आप, एक बटन लो और इसको यहाँ पे ड्रैग करके इस पे ड्रॉ कर दो। अब इसको बॉटम से सेलेक्ट करना है, खाली बॉटम से ही रखो आप इसको। और जो इसका कलर है, कलर क्या करेंगे, आप बैकग्राउंड पे जाएंगे, कोई भी हम एक रैंडम कलर लेते हैं जैसे कि वाइट कलर। और यहाँ पे आप आओगे, कुछ भी यहाँ पे रख दो। सो यहाँ पे मैंने डी डी रखा। और सो यहाँ पे आप देखोगे एक कलर आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे आप और यहाँ से कलर ले लोगे। तो ये आई थिंक ये ऊपर वाला सिलेक्ट हो गया, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, यहाँ नहीं चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, ये बटन के एट्रीब्यूट में अंदर आएंगे, बेस लाइन, बेस को हटा देंगे यहाँ से, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, कुछ भी रैंडम बैकग्राउंड दे देते हैं यहाँ पे डी डी डी। अब यहाँ पे ये कलर देखोगे आ गया, रैंडम कलर कोई भी आ गया, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कलर दे देंगे। अभी देखोगे ये कलर आ चुका है, इसको हम क्या करेंगे, मैच पेरेंट कर देंगे। और जो मार्जिन होगा उसको हम कर देंगे स्टार्ट से 16 dpi, और मार्जिन एंड से कर देंगे 16 dpi। और जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको हम कर देंगे यहाँ पे बोल्ड, और जो टेक्स्ट कलर है उसको कर देंगे हम वाइट एज 410F, ये हो गया। और जो टेक्स्ट हमारा जो है बटन लिखा हुआ है डिफॉल्ट, उसको हटा के हम कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो टेक्स्ट साइज है उसको हम कर देते हैं यहाँ पे 16 SP, यहाँ पे या 20 कर दो, ज्यादा बड़ा हो गया, 16 काफी है, ये हो गया। सो अभी हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन को रन करके देखते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर। उसके लिए क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे जाना है, जो यहाँ पे स्पेसिफाइड एक्टिविटी जो है वो होम एक्टिविटी है, इसको आपको चेंज करना है। चेंज करना में प्ले एक्टिविटी सेलेक्ट करना है, अप्लाई ओके, और इसके बाद यहाँ पे रन पे क्लिक कर देना है। सो अभी देखोगे यहाँ पे हमारा जो डिजाइनिंग है थोड़ा यहाँ पे सही नहीं आया है, तो अभी हम देख लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसको क्या करना है, हमें इसमें अटैच करना है, और ये यहाँ से ऊपर अटैच था, इसमें अटैच था, और इसको क्या करना है, हमें इसमें अटैच करना है। इसको हम रन करके देखते हैं फिर से। सो यहाँ पे हमारा प्ले स्क्रीन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब जो लास्ट स्क्रीन हमारा वो होगा हमारा रिजल्ट स्क्रीन, अब इसको बनाएंगे हम। सो यहाँ पे हम एंड्रॉइड स्टूडियो में चले जाते हैं, एक्टिविटी रिजल्ट डॉट XML पे क्लिक करते हैं। सो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, एक टेक्स्ट व्यू लेना है और यहाँ पे इमोजी लेते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजाइन पे आ जाते हैं, टेक्स्ट व्यू भी लेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, राइट साइड कर देते हैं, लेफ्ट साइड से कर देते हैं, और यहाँ पे टॉप से कर देते हैं, और यहाँ पे स्प्लिट पे आएंगे फटाफट, इसको हम एट्रीब्यूट दे देते हैं, कलर स्टाइल और टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा रियल क्विज हो गया, यहाँ पे टैक्स। अब हम क्या करेंगे, इमोजी लेते हैं, जो हमारा ये इमोजी है स्माइल इमोजी, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से रिसोर्स फाइल में आएंगे, ड्रॉएबल के अंदर जाएंगे, स्माइल इमोजी का इमेज है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आ जाते हैं, और ड्रॉएबल के अंदर या इसको हम पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे ड्रॉएबल आपको सेलेक्ट होना चाहिए, देख लेना आप, इस पर पेस्ट कर देंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज व्यू लेंगे, इमेज व्यू के यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, यहाँ से आपको नीचे आ जाना है, और ये स्माइल IMG करके जो लिखा हुआ है उसको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करना है आपको, स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो साइज है इमेज का वो रैप कॉन्टेंट और रैप कॉन्टेंट दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे आप करो 150 dpi × 150 dpi। और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सेंटर में लेके आना है, इसको ऊपर कर लो थोड़ा सा और,
सो यहाँ पे ये हो गया हमारा थर्ड जो हमारा होता है। अब यहाँ पे हम चार टेक्स्ट व्यू लेंगे, करेक्ट के लिए स्कोर और रॉन्ग और स्किप। तो यहाँ पे हम फटाफट इसको कर लेते हैं। उसके लिए आपको करना है डिजाइन पे जाना है, टेक्स्ट व्यू लेना है यहाँ पे, फिर स्प्लिट पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और ये अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे टैग से इसका चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी इसमें इतना ही रखते हैं अभी। और बाकी सब में हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, सारी एट्रीब्यूट्स में हमको यही रखना है। इसको पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर, टेक्स्ट साइज आई थिंक ये नहीं हुआ है, कॉपी करेंगे इसको फिर से इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, इसके अंदर भी यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको हम अभी ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, इनको लगाते हैं प्ले अगेन शेयर स्कोर रेट ऐप होम। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लेते हैं, सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं, स्प्लिट पे आ जाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, इसको हम बॉटम से अटैच कर देते हैं और इसका जो यहाँ पे होगा मैच पेरेंट कर देते हैं। ग्रेविटी जो है उसको हम सेंटर में कर देते हैं, उससे क्या होगा कि जो भी आपका टैक्स है वो सेंटर में आ जाएगा। और जो एट्रीब्यूट हमारा जो इसमें था वही एट्रीब्यूट अभी अब यूज करते हैं, अभी इसमें हम कॉपी करेंगे पेस्ट करते हैं। और जहाँ पे पैडिंग है, पैडिंग हम देंगे, पैडिंग से क्या होगा कि ये स्केल हो जाएगा। पैडिंग में हम देते हैं यहाँ पे 20 dB और बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम कर देते हैं एज वाइट। सो अभी देखो कि आप बैकग्राउंड जो कलर है, जो हमारा पेरेंट बैकग्राउंड है और जो हमारा टेक्स्ट का बैकग्राउंड है थोड़ा चेंज है। अगर आप थोड़ा चेंज देखना चाहते हो तो उसके क्या करोगे, पेरेंट बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे, कोई भी एक रैंडम कलर ले लो। ये देखोगे आप यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा वाइट है। सो अभी इसको हम हटा देते हैं, जैसे आप देखोगे इसमें चेंज है, देख रहे हो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेम इट इज। अब ऐप के अंदर जो ये बनेगा इसमें भी वैसा ही होगा। तो मार्जिन ये क्या होगा, यहाँ से जो है वो पेरेंट से अटैच हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, अभी हम मार्जिन लेफ्ट टू राइट देते हैं, इसमें देते हैं मार्जिन स्टार्ट, और जो टेक्स्ट साइज था वो हमारा एंड 16 dp, और ये जो हमारा था लास्ट टेक्स्ट था उसको हम लिखेंगे होम 16 की जगह पे, हम यहाँ पे कर देते हैं 20 भी, ठीक है। 8 की जगह पे आप यहाँ पे जो पेडिंग है आपका 20 पेडिंग है, इसको हटा के हम 16 कर देते हैं, कम कर देते थोड़ा। अब क्या करेंगे, इसमें हम कॉपी करेंगे इसका, राइट बटन कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसका डुप्लीकेट हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे और अभी ये यहां से अटैच हो रहा है, इसको हम इसको इसके ऊपर अटैच करेंगे, 24 नहीं 16 रखते हैं, और फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, इसको ले जाएंगे इसके ऊपर। यहां से कंट्रोल के साथ इसको हम इरेज कर सकते हैं, कंट्रोल दबाएंगे और उसके बाद उसको वहां से उसको डी अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे डी अटैच करना, अभी जो अभी कनेक्टेड है इससे, तो क्या करेंगे उसको डी अटैच करने के लिए कंट्रोल के साथ, अगर आप कंट्रोल के साथ यहाँ पे जाओगे तो देखो कि यहाँ पे रेड कलर का आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक कर दोगे डीअटैच हो जाएगा। सो अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक और ले दें। सो ये हो गया हमारा। बॉटम से 16 dp दिखा रहा है, इसको हम कर देते हैं 8 dp, ये भी हमारा बॉटम से 16 है, 8 dp कर देते हैं, इसको भी अटैच करते हैं। सो ये हो गया हमारा होम, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या था रेट ऐप।
सो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा बॉटम से अटैच है, इसको अभी क्या करेंगे, हम यहां से अटैच कर देंगे। और ये टॉप से इसको हटा देंगे यहां से, और इसको यहां से ऊपर कर देते हैं, और इसको भी सेम एडिसिस क्या करेंगे, यहां पे इसे कनेक्ट करेंगे। ये ध्यान रखना आपको, जितना यहां से कितना दिया गया 48 बॉटम से, और ये कितना है, ये भी 48 है। और यहां पे हम क्या करेंगे, मार्जिन जो होगा लेफ्ट से, जो स्टार्ट से मार्जिन होगा, मार्जिन स्टार्ट 4 आ रहा है यहाँ पे, इसकी जगह आपको क्या कर देना है, 50 50 dp। इसको क्या करना है, इससे अटैच करना है, इसको ऊपर कर दो, स्टार्ट से इसको भी कर दो यहाँ पे 50 dp, सेम एज इट इज आपको यहाँ पे लाना है, इसमें अटैच करना है। तो अभी अभी इसको हम रन करके देखते हैं एक बार, इसको हम क्या करेंगे, रन करने के लिए यहाँ पे जाएंगे एडिट कॉन्फिग, स्पेसिफाइड एक्टिविटी में हम यहाँ पे रख देंगे रिजल्ट एक्टिविटी, ओके करेंगे, अप्लाई ओके। और अब क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं। सो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब ये देखो कि हमारा जो इमोजी है वो इसके ऊपर आ रहा है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी अभी हम क्या करते हैं, इसको इसको अटैच करते हैं इससे, आई थिंक हमने इसमें अटैच करना भूल गए थे, इसलिए ही दे रहा है ये साइज। इसका अगर आपके और बढ़ाना है, इसमें आपकी दिखाओगे रियल क्विज रिजल्ट है, रिजल्ट लिख देते हैं, सो रिजल्ट यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ये हो गया। अब इसको रन करके फिर से देखते हैं, आई थिंक अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी क्या करेंगे, हम साइज को इसको थोड़ा हम कम कर देते हैं, 120 dp, 120 dp, सो अभी देखो कि हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे डिजाइन कंप्लीट है, बाकी ये साइज को आपको छोटा कर लेना है, साइज छोटा करके यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ स्क्रीन है वो भी हमने डिजाइन कर लिया। सो इसका XML कोड आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको आप खुद ट्राई करो, उसको खुद से डिजाइन करो सारा स्टेप बाय स्टेप, कोई प्रॉब्लम आती है उसको देखो, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगी अगर आप एक बिगनर हो तो। सो ये ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे एंड होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम जावा की कोड करेंगे, जितने भी हमने डिजाइन किया हुआ है, यहाँ से हमारा सेकेंड एक्टिविटी पे कैसे जाएगा, और हमारा ये स्कोर टाइमिंग क्वेश्चंस कैसे फेज और ऑप्शंस कैसे मैनेज होंगे, करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर कैसे यहाँ पे मैनेज होगा, और जैसे यहाँ पे हम हमारा यहाँ पे क्विज कंप्लीट होता है, कैसे रिजल्ट एक्टिविटी पे जंप करके यहाँ पे जो भी करेंट आंसर जितने भी होंगे, स्कोर कितना होगा, रॉन्ग आंसर कितने होंगे, सारा कुछ क्लिक इवेंट सारा कुछ हम हैंडल करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा जावा का कोड होगा उसके अंदर। सो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा सपोर्ट कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।